मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ एक मिथ को तोड़ना है कि व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे नाइट। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कि भैया हम 500 का और 1000 का नोट नहीं लेंगे, बैंड कर देंगे। इसके पीछे क्या रीजंस, क्या लोगों का रेपरकशन होगा आने वाले एक हफ्ते में, हम जो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, और एक्चुअली डिसीजन अच्छा है कि बुरा है, ऑन एन ओवरऑल ग्राउंड। हमेशा कभी पर्सनल लेवल पे नहीं जज करना चाहिए बेटा कि क्या हो रहा है, हमेशा ओवरऑल। सर हम तो सेल्फिश है, हमें तो हमेशा पर्सनल लेवल पे देखना चाहिए। चलो तुम्हारे लेवल पे भी देख लेंगे तुम इसका फायदा है कि नुकसान है। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ इस बात को डिस्कस करना। जो आज तक का रिपोर्ट मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि सबसे शेयर कर सकूं, बिकॉज वी आर इन एन एजुकेटेड इकोनॉमी, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस, हम सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के प्रति। तो यस्टरडे द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ वेरी सिंपल लाइन कि भैया हम कल से 500 का और 1000 का नोट नहीं लेंगे। सबसे पहला बात, ये 500 का और 1000 का नोट को आपको अपने घर से निकालकर बैंक में डालना पड़ेगा। बैंक में डाल दीजिए, उससे क्या होगा, जो लोग पैसा ब्लैक मनी के फॉर्म में रखते थे या जिनकी सच में वाइट मनी भी है लेकिन घर में खर्चे के लिए रखे थे, जैसे एक आदमी रखा भी 50,000, घर को बीमार नहीं पड़ जाए तो एक 50,000 का बंडल सबके घर में पड़ा हुआ है, जेन्युइन मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। अब वो 500 और 1000 का नोट बाजार में नहीं यूज हो पाएगा, तो वो पैसा बैंक में डाल दो। इसमें जो जेन्युइन आदमी है वो कहीं नहीं मर रहे, कहीं नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नाउ यू विल यूज प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सर हमारे पास दोनों ही नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर हम वो भी नहीं करते हैं, आपको कुछ दिन दिक्कत होगी, पेटीएम करो। सबसे बड़ा बिजनेस का फायदा पेटीएम जैसे लोगों को होगा, क्योंकि अब वहां से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बाय पुटिंग इन मनी देयर, बट वहां भी पैसे डालने के लिए यू नीड अ बैंक अकाउंट एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको या सेविंग्स का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर पंच करना पड़ेगा। शुरू के एक हफ्ते बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही सबको। सबसे पहली दिक्कत तो आज बैंक बंद है, एक्चुअली बंद नहीं है, बैंक आज खुला है, बैंक आज कस्टमर्स के लिए बंद है। कस्टमर सिर्फ बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट कर सकता है, ना रुपया डिपॉजिट कर सकता है ना रुपया निकाल सकता है, सब बंद है। एटीएम ब्लॉक कर दिया गया है, कल रात को खाली खुला था, तो जितना एटीएम में पैसा था निकल गया, तो वो कल रात ही खाली हो गया। अब एटीएम दो दिन बंद रहेगा, आज और कल। कुछ एटीएम कल से एग्जिस्ट कर जाएंगे, पर मोटा मोटी कल भी कम ही चांस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो भी वहां मार्केट में होगा, एटीएम भी बंद रहेगा, तो दो दिन एकदम दिक्कत। बैंक कल से खुल जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला, आप अपना सारा नोट वहां से, जो रुपया ब्लैक मनी था विच वॉज अ बैड थिंग, इविल फॉर द कंट्री, अब आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि वो पैसा आप इतने साल सेज के रखे, अब आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि इसको बैंक पे डालते ही गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या ये देश के लिए अच्छा है कि आप ब्लैक मनी रख रहे हैं? नहीं, पर्सनल लेवल पे अच्छा था, देश के लिए नुकसान हो रहा था। 17 लाख करोड़ बोलते हैं, इससे ज्यादा रुपया मार्केट में सर्कुलेटेड है, 17 लाख करोड़ से ऊपर, 500 और 1000 के डिनोमिनेशन में। इस 17 लाख करोड़ रुपए में से करीबन 10 लाख करोड़ मार्केट में है, और बाकी 7 लाख करोड़ कहां पर है पता नहीं है। मतलब कहां पर है पता नहीं है, मतलब बस समझ जाइए कहां पर है वो, हम लोग क्यों बोले, सबके घर में है कहीं ना कहीं। जो भी आदमी छुपा के उसको रखा था, उसको बैंक में डालना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है घर की वाइफ्स पर, बहुत असर पड़ा, बुरा असर पड़ा। अब उन्हें पति को बताना पड़ रहा, जी मेरे पास इतना रुपया है, कहां से आया, नहीं बताएंगे तो बेचारी जाएंगी कहां पर, तो उनको तकलीफ हो रही है। बिजनेसमैन जो कैश में ट्रांजैक्शन करते, तो उनको तकलीफ हो रही है, पर जेन्युइन बिजनेसमैन को तकलीफ नहीं हो रही है। सैलरी वाला इंसान तो बेचारा पहले से ही मरता था, उसको तो पूरा पैसा पक्का में मिलता था, उसे तकलीफ हो नहीं रही, उसके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है। हमें अब बैंकिंग हैबिट पर आना पड़ेगा, जो 11 में इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे कि बच्चों बैंक में सारा रुपया रखो तो देश का क्रेडिट क्रिएशन होगा। याद है, बैंक ए में 1000 डालेंगे, वो अपना कैश रिजर्व रेशियो 10% अगर रख लेगा तो वो बैंक बी में 900 दे देगा, बैंक बी वाला 10% रख लेगा 90 रुपया, तो 810। अगर इस चैनल को मेंटेन किया जाए तो देर इज अ जीपी रेशियो, और इससे देश का क्रेडिट क्रिएशन उनको बताना पड़ रहा है कि भाई कितना रुपया बैंक में डालना है। फिर उनको चिंता लगी, बैंक में डाल के हमको वापस भी दे देना। चलो ठीक है, अब इस पे आते हैं बेटा, बैंक में आप कितना डाल सकते हैं, पहला सवाल। आंसर, जितना है, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर में। सवाल दूसरा, सर कितना निकाल सकते हैं? अभी पर डे का लिमिट 2000 रुपया एटीएम पर रहेगा, एटीएम पर डे का लिमिट 2000 रुपया रहेगा पर कार्ड,
एक दिन में 2000 निकाल सकते हो पर कार्ड, पर डे पर कार्ड 2000, और कुछ दिन में जब ये वापस अनाउंस हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, इसको 4000 कर दिया जाएगा पर डे पर, पर डे पर 4000। वीकली होने का बात है, पर वीक 20000। वीकली फिगर फिर कैसे पहुंच जाएगा, मान लेते 5 दिन बैंक खुला रहता है, शनिवार बंद रहता है इन दैट सेंस, हालांकि एटीएम तो सभी दिन खुला रहता है, उस पर भी शायद एक अंकुश लग जाएगा। तो यानी ये क्यों किया जा रहा है, सिर्फ 2000 ही क्यों निकालने दिया जा रहा है, क्योंकि 2000 से आप अपना बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो। अगर बहुत ज्यादा निकाल लोगे तो देश में जितना पैसा आएगा वापस निकल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बैंक पर प्रेशर नहीं पड़े इसलिए। थर्डली, 500 और 1000 का नोट स्क्रैप हो जाएगा, जब हो ही चुका है इनफैक्ट, अब लोग ले ही नहीं रहे, तो नया 500 का नोट आएगा, नया 500 का, उसका एक ग्रीन कलर का फॉर्मेट बनाया है, और नया 2000 का नोट आएगा, 1000 पूरी तरह गायब हो जाएगा। इसको हटाने का सिर्फ एक कारण ब्लैक मनी नहीं है, इसको हटाने का एक कारण है, देश में $3 trillion का ब्लैक मनी चल रहा है, अराउंड 2 to 3 trillion dollars का ब्लैक मनी चल रहा है, ब्लैक मनी नहीं, फॉर्ज्ड मनी, नकली नोट, वो नकली नोट को हटाना है। तो सिर्फ इसका एक तरफा सर, एक जगह नहीं है, सिर्फ देर नॉट टारगेटिंग ब्लैक मनी पीपल, नहीं सिर्फ वो नहीं, इतना किसको बोलते हैं 2 trillion or 3 trillion का फिगर्स, किसको बोलते, इमेजिन करिए आप, इतना चल रहा है सब फेक मनी। इसका थर्ड रीजन है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, आप सुने सब, अभी जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ, उसके कारण आप रोज बॉर्डर पर एक न्यूज सुन रहे हैं कि आज इस जगह पे 2 जवान मरे, 1 मरा, हमने उनके लोगों को मारा, यानी छोटे लेवल पे चालू हो चुका है, इट कैन गेट अप हीटेड अप ऑन एनी डे। टेररिस्ट अपने फंडिंग को, जो भी पैसा होता है वो बैंक में तो पूरा रखे नहीं, क्योंकि फ्रंट पे अगर बैंक में रखेंगे तो ट्रेस हो जाएगा, तो वो अपना जो भी ट्रांजैक्शन गन्स का एमिनेशन का करते हो किस माध्यम से करते होंगे, कैश तो बंद हो रहा है ना, 500 और 1000 तो खत्म हो रहा है ना, तो टेररिस्ट के पास में उसका तो हिसाब ही नहीं बेटा, वो कितना अरब डॉलर है उसका तो हिसाब ही नहीं है, वो पैसा पूरा वेस्ट, एटलीस्ट इंडियन करेंसी में वेस्ट। तो हमारे इंडिया में जो टेररिस्ट के पास जो फंड्स पड़े हुए हैं इन नॉन बैंकिंग चैनल, वो सारे बंद, और बैंकिंग चैनल के माध्यम से अगर तुम कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो नजर आ जाएगा, तो बड़े ट्रांजैक्शन पे नजर भी रखा जाएगा कि कोई 500 करोड़ 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या। ये सिर्फ बड़े लोगों के ऊपर में असर पड़ रहा है, छोटे नॉर्मल मिडिल क्लास हर पर्सन पर असर इसलिए पड़ रहा है थोड़ा सा, कि अब हमें रोज का दूध चाय जो लाना है, ग्रोसरी स्टोर से सामान लाना है, उस पर असर पड़ सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला आपके घर में जो डिनोमिनेशन है उसको यूज करिए, अगर आपके पास है 100, 200, 100 का नोट, 50 का नोट, या अगर वो नहीं है तो कुछ बेसिक जगहों पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो आपको पुराना नोट एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कोई मर्दर डेयरी का गवर्नमेंट दुकान है रजिस्टर्ड, वहां एक्सेप्ट करेंगे, रेलवे के सारे कॉर्नर्स जहां टिकट बुकिंग होती है वहां करेंगे, फॉरेक्स एक्सचेंज जहां होता है वहां करेंगे, एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करेंगे, ऐसी सब जगह पे एक्सचेंज करेंगे। बैंक में तो सारा रुपया तुम डाल ही सकते हो, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि सबसे बेसिक चीज मेडिसिन और हॉस्पिटल बेटा, इंसान को आम तौर पे तकलीफ नहीं होगी, थोड़ी दिक्कत तो सबको उठानी पड़ेगी, अदर देन दैट हॉस्पिटल्स को परमिट किया गया कि आप पुराने वाले 500 के नोट लोगे, किसी भी आदमी को बीमारी से ठीक करने से आप वंचित नहीं करेंगे, यू विल नॉट स्टॉप दैट, आपकी वो बेसिक चीजें जिम्मेवारी आप वो करेंगे, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोला गया। तो फिर क्या इमीडिएट आपको नुकसान हो रहा है, इमीडिएट थोड़ा सा आपको रोज का ग्रोसरी में दुकान में नुकसान है, उसका उपाय सब आजकल एक बार ऑनलाइन ऑप्शंस आ गए बहुत सारे, आप वहां पे जाके एक बार पंच कर सकते, यू कैन यूज क्रेडिट डेबिट पेटीएम एंड सो मच एन ऑप्शंस, तो एक बार आप उससे काम निकाल लो। ये कुछ दिन की दिक्कत है, इट विल ईज आउट स्लोली बट स्टेडिली, इट विल ईज आउट। बैंक से आप जो एटीएम का लिमिट में बोला पर डे कितना बोला 2000, और फिर बाद में कितना हो जाएगा 4000, पर वीक चांसेस है 20 का। इसमें अब आते हैं कि हम चेक लेकर गए बैंक में, अभी तो बैंक बंद है, आज कल से खुल जाएगा, हम चेक लेकर गए, हमने बैंक को बोला भैया हमें चेक का पैसा दे दो, तो पर डे जो कैश विड्रॉल हम बैंक से करेंगे उसका लिमिट है पर डे 10000, उसका लिमिट पर डे 10000, बहुत है 10000, घर खर्च निकालने के लिए बहुत है, और पर डे का बाद पर वीक का लिमिट कर दिया गया है 20000, क्योंकि अल्टीमेट वीकली लिमिट एटीएम और उस पे दोनों पे सेम रखना चाहिए, इसलिए 20 में बोला आपको, तो पर वीक का लिमिट 20। ये सारी बातें आज तक की है सिर्फ, कल बदलेगा क्योंकि अभी पैनिक बटन प्रेस हुआ है, अब लोग ट्विटर पर फेसबुक पर अपने तरफ से कमेंट करेंगे, अपनी अपनी जगह लोग गुट बनाकर बातें करेंगे, और सबसे पहले दोष देंगे, क्योंकि दोष देना आसान होता है, उसको समझना
उसका रेपरकशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है. वी आर ऑल एजुकेटेड, वी शुड अंडरस्टैंड. एक पर्सन को आज सुबह में सुना, वो एक दूसरे को बोल रहा था कि अब ये 500,000 के नोट हटने से ब्लैक मनी और बढ़ जाएगा. बोला कैसे बढ़ जाएगा? बोला अब 2,000 का नोट है ना, तुम 2,000 के फॉर्म में रखोगे तो 2,000 का नोट कैसे आएगा बेटा तुम्हारे पास, ये समझते हैं कैसे आएगा. तुम बैंक में 500 सबमिट करके बैंक से एक्सचेंज कराओगे तो एक्सचेंज पर डे कितना कराओगे? पर डे का लिमिट क्या है? दो. चलो दो छोड़ो, पर डे का लिमिट चार पकड़ लेते हाईएस्ट, चार. साल में 365 दिन में बैंक कितने दिन खुलता है? सर 52 तो संडे निकाल दो, 52 सैटरडे में, दो सैटरडे बंद होता दो खुला रहता. हिसाब करो बेटा, तो हिसाब भी लिख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं कितना ब्लैक मनी हो जाएगा हमारे पास. 365 डेज में से 52 संडे चला गया और 52 सैटरडेज का आधा चला गया, लगभग कितना, 26 चला गया. इसके अलावा जो त्यौहार है उसको गिनने की दरकार ही नहीं है. भारत है बेटा, यहाँ पे तो त्यौहार मस्त मनाते हैं हम लोग. हाँ, बंगाल में तो 20-20 दिन तक बैंक बंद हो सकती है, तो कितना मान लें, राउंड ऑफ 100 दिन और मान लें. हाँ चलो कम मानते, 100 थोड़ा बेसी लग रहा तुमको, और 50 पकड़ लें, थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते, 57 पकड़ लेते हैं. इतना तो हो गया बेटा, 26 जनवरी 15 दिसंबर में लगे 57, कोई दिक्कत इसमें नहीं. 230 डेज अगर तुम बैंक से निकालते हो, 230 डेज बैंक से हर दिन ब्लैक मनी कन्वर्ट कर रहे हो, अपना ब्लैक मनी ले जाके दे रहे हो, ठीक है, 4,000 रुपया पर डे के हिसाब से, एक साल में 9,20,000 रुपया, एक साल में लोगों पर 100 करोड़ है, इसको 100 करोड़ बनाने में कितने साल लग जाएंगे बेटा, जिंदा रहोगे? पहली बात. दूसरी बात, ये ट्रांजैक्शन इज ओनली अप्लाइड टिल दिसंबर 30 या 31 का लिमिट रखेंगे, बिकॉज 31 हॉलीडे होती है बेटा, इसलिए 30 दिसंबर पकड़ लेते, तो ये दिसंबर तक ही वैलिड है. दिसंबर 16 के बाद 31 मार्च 17 तक और एक्सटेंशन है, पर इस एक्सटेंशन में तुमको आरबीआई के पास जाना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, बताना पड़ेगा कि भैया आया कहां से. तो वो पर डे 4,000 × 250 दिन भी नहीं होने वाला, वो तो यहीं पे मर जाएगा. और अगर तुम सारा पैसा बैंक में डाल करके फिर उसको 2000 के नोट में कन्वर्ट कर लेते हो, उसके बाद तुम ब्लैक मनी क्रिएट करोगे भी, तो एक बार तो देश में डिक्लेरेशन हो गया कि तुम्हारा सारा पैसा कहां से आया है. फिर तुम्हारी हैबिट भी हो गई कि तुम अब पैसा बैंक में रखने लग गए हो. जब एक आदमी की अच्छी हैबिट हो जाती है तो उसको कच्चे का पैसा अच्छा नहीं लगना चाहिए. ये सिर्फ एक छोटी सोच है. अगर मैं हर साल अपना 10% या 30% टैक्स भरता हूं, I am not enjoying this portion, I am enjoying 70% only. एक बार मेरी आदत हो जाएगी तो मैं मान लूंगा कि ये मेरी इनकम इतनी रहती है. तब मैं इनकम को ऐसे नहीं कैलकुलेट करूंगा कि मैंने साल में 2 करोड़ कमाया या कोई इंसान कितना कमाया. वो सोचेगा भाई मैंने साल में लगभग 1.5 करोड़ कमाए. वो आदत चल जाएगी, वो इसको गिनना ही बंद कर देगा. दूसरी बात, जब आप पैसे को कैश के फॉर्म में रखते हो तो उसमें आप कितना एक्सपेंस करते हो उसको ट्रेस भी नहीं करते हो आप. ना घर वाले ट्रेस करते ना, क्योंकि आपके अलमारी में पड़ा, निकालो बंडल खर्चा करो, निकालो बंडल खर्चा करो. आप अननेसेसरी परचेज करते हैं, लेकिन जब आप बैंक से निकालते तो आपके नजर में आता रहे नहीं ये खर्चा गलत हो रहा है, मत करो, बेकार के एक्सपेंस मत करो. तो हम एक्सपेंस के रूप में, टैक्स के रूप में, एक्सपेंस के रूप में अपना कैश फिल्टर करते हैं, वेस्ट करते हैं. दूसरा, हमने अपना कैश किसी दोस्त के पास दिया है कि भैया मेरे घर तो रेट पड़ जाएगी, मेरे घर तो रेट पड़ेगी, पैसा तू रख ले. दोस्त तो बेटा दोस्त ही है, आज नहीं तो कल दोस्ती निभाई लेगा. वो पैसा लेके निकल गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस कंप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा कच्चे का पैसा मेरे दोस्त के पास था. पुलिस बोलेगा आओ बेटा पहले तुम इधर आओ, जेल में आओ पहले. इनकम टैक्स वाला को बुला लेगा. अंडरस्टैंड द पार्ट्स कि क्या क्या होगी. दूसरी बात, कभी पकड़े गए, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, कहीं पकड़े गए, तो एंबैरेसमेंट के अलावा जब वो टैक्स लेगा तो वो तो भैया इंटरेस्ट पेनल्टी लेकर 45-50% लेगा. तब जो 45 या 50% दोगे वो तो इसको साफ कर देगा, तब तो 30 से ज्यादा लगेगा. सर हम तो घूस दे के निकल जाएंगे. अब ये तो बेटा करप्शन वाली बात हो गई कि हम करप्शन के प्रति खुद ही बढ़ावा देते हैं और फिर हम देश को देश देते हैं कि हमारा देश में करप्शन ज्यादा है, व्हेन वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर दैट करप्शन. पुलिस वाले घूस लेते हैं, अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात. अगर हम बाइक पर पकड़े गए बिना हेलमेट के तो हम कैसे छूटना चाहेंगे? बोलने का दरकार नहीं, पैसे देकर. तो जब हम पकड़े गए तो घूस देना बहुत अच्छी बात है, तब वो पुलिस वाले ईमानदार है, अपनी ईमानदारी से घूस ले रहा है. और जब किसी और को घूस देते देखते तो हम लोग कमेंट करते, कितने गलत ढंग से कमेंट करते यार कि कैसा देश है, लोग घूस ले रहे हैं. खुद के टाइम पे घूस देना अच्छी बात हो जाती है, ये कैसी हिपोक्रेसी है. आप बैंक के साथ
पोस्ट ऑफिस में भी अपना पैसा डाल सकते हैं, बिकॉज पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैंक, वहां पे भी सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, किसान विकास पत्र एनएससी होता है, वहां भी डाल सकते हैं। तो आपका 500 हजार का नोट सर्कुलेशन से गायब होकर कुछ दिन में नया नोट आ जाएगा, आपका नोट चेंज हो जाएगा, तो फेक करेंसी गायब हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो एंटी टेररिस्ट लोग है, टेररिस्ट लोग एक्चुअली, उन लोग का पैसा वेस्ट हो जा रहा है, दूसरा फायदा। और सबसे छोटा फायदा कि ब्लैक मनी टैप हो जा रहा है। तो इसका पर्पस सिर्फ ब्लैक मनी नहीं है, इसका पर्पस ऑन द ओवरऑल हराइजन इतना बड़ा रखा गया है, इतना कुछ है उसके अंदर में। ये बच्चों न्यू करेंसी आएगी, अब कोई न्यू करेंसी अगर आ रही है तो ग्रीन कलर में इसको लॉन्च किया गया, ये तो हमारा देश का आज का कलर हो गया, द पिंक मूवमेंट, द कलर इज पिंक, आई होप यू गेट द पॉइंट। तो 2000 करेंसी पिंक मूवमेंट पर आ जाएगी साहब, द चेंज इज हियर। इसको कॉपी करना भी इम्पॉसिबल तो हो गया नहीं बेटा, लेकिन कॉपी करने के लिए अब ये नोट आने के बाद कॉपी होंगे, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, तो अगेन उसको रोका जाएगा फेक करेंसी को। एट प्रेजेंट जो फेक करेंसी है विच इज नॉट नोन, 2 ट्रिलियन, तो हम लोग ऐसी फिगर निकालें इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से, ये फिगर और भी ज्यादा हो सकता है, ये सारा बंद हो जाएगा इसके आने के बाद। जितने भी टिकट काउंटर से रेलवे के वहां पैसे लेंगे, एयरलाइन वाले बस वाले लेंगे, तो आम आदमी को यातायात में दिक्कत नहीं होगी, जो लोग दूर ट्रैवल कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल ऑथराइज सेंटर्स पर भी पैसे दिए जाएंगे, और अगर आपको घर का सामान लेना है तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव से जाके ले लीजिए बेटा, कुछ दिन के लिए। ये उस अजम्पशन पर है कि बच्चों आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है, वरना आजकल तो साहब ऑनलाइन में आप भरेंगे तो ग्रोफर्स जैसे, बिग बास्केट जैसे लोग घर भिजवा देंगे, तो ये टेम्पररी फेज है। कोई आदमी क्रिमेशन पे जा रहा है, किसी की डेथ होगी बेटा, वहां भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आम आदमी का कहीं नुकसान नहीं दिया गया, तो डोंट से दैट दिस मिथ इज हियर, डोंट टेल अदर पीपल की नहीं ये गलत हो रहा है, डोंट से दैट, ये सही हो रहा है। तकलीफ तो पहुंचेगी बेटा, जो करप्ट थे उनको तकलीफ पहुंच रही है, आपको क्या तकलीफ पहुंच रही है, हम ऐसा क्यों पब्लिसिटी करेंगे। तो नथिंग बैड इज हैपनिंग अराउंड, नथिंग बैड इज हैपनिंग, कुछ दिन फ्रिक्शन है, सबको झेलना पड़ेगा, सब झेलेंगे साहब। तो इस पर क्या है साहब, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे SMS बनाकर भेजे, अच्छे अच्छे, कोई बोल रहा है कि साहब अमेरिका इज काउंटिंग वोट्स एंड इंडिया इज काउंटिंग नोट्स, तो एक सही बात है, हम सब बैठकर नोट्स काउंट कर रहे हैं। और जो पुलिस अगर कभी पकड़ के अपने को जैसे सिग्नल क्रॉस करके बोले साइड हो जाओ, तो अब उनको 1000 देने की दरकार नहीं है, वो खुद बोल रहे 100 ही दे दो भाई, 1000 लेकर करेंगे क्या। सबसे बड़ा बात डॉक्टरों क्या है बेटा, डॉक्टर का जितना चेंबर था 500 वाला फीस ना, वो आज ही पन्ना फाड़ के रात में लगा दिया 400 कर दे, क्योंकि 500 फीस लेकर वो करेंगे क्या, उनमें सबसे बड़ी करप्शन है, क्योंकि वो सारा पैसा कैश में रख लेते बेटा। बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, दे गिव प्रॉपर टैक्स, पर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लोग होंगे हर इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में हम भी हो सकते हैं, हर जगह लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, पर सब लोग को धीरे धीरे रास्ते पर आना है। यहाँ पे किसी पे उंगली नहीं उठाई जा रही है, यहाँ पे बस एक बात बोला जा रहा है SMS के माध्यम से, लोग किसी को डिमीन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ऐसा कर लो। कल अगर परसों में किसी की शादी है तो उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखिएगा बेटा, क्योंकि उनके पास लिफाफे तो आएंगे, लिफाफों के अंदर लग रहा नहीं है कुछ आ जाएगा, क्या आएगा पता नहीं बेटा। एक पर्सन ने तो ऐसा बोला व्हाट्सएप पे, बोला अन्ना हजारे अपना नाम बदल रहे हैं, अन्ना 2000 कर रहे हैं। अभी अमेरिका में वोटिंग हो रही है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन 2 बड़े कैंडिडेट है, तो अमेरिका का इसके लिए न्यूज चैनल वे प्रिपेयर्ड फॉर हिलरी क्लिंटन एंड डोनाल्ड, मोदी केम आउट ऑफ द सिलेबस, उसका क्वेश्चन पेपर तैयार ही नहीं था इनके पास में, तो अचानक से आ गए साहब। ऐसा एक SMS में लिखा लोगों ने कि मोदी जी ने उठा सुबह, फ्रिज खोला और थम्सअप पिया और कहा आज कुछ तूफानी करते हैं। एंड फाइनली बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके पास ब्लैक मनी नहीं है वो लोग व्हाट्सएप पर हैं, जिसके पास है दे आर काउंटिंग द नोट्स
क्योंकि उनको वही करना है बेटा, तो दे आर काउंटिंग द कैश एंड वी पीपल आर ऑन द अदर ग्राउंड. तो फाइनली विल एंड दिस वीडियो साहब, जस्ट हैव अ नोशन कि कुछ भी एक मूवमेंट होता है तो उसको बनाने वाले बहुत बड़े एजुकेटेड पीपल होते हैं. दे हैव ऑलरेडी टेकन ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन माइंड. इसके पीछे होमवर्क, सालों की मेहनत होगी. ये अनाउंस अचानक कल रात हुआ है तो सुबह सुबह सोचकर अनाउंस नहीं किया गया है. ये कोई स्पोरैडिक मूवमेंट नहीं है, इट इज़ अ जेन्युइन थिंग जिसका रेपरकशंस बहुत अच्छा देश पर होगा, पर इट विल इवेंचुअली कम आउट. वैट जब आया तो लोगों ने रैली निकाली, जीएसटी को तो लोगों ने लाने ही नहीं दिया, इस सरकार ने लाने का तो प्रयास किया और ला भी रही है. दिक्कत हो रही है, जीएसटी के प्रति भी लोगों की मिथ है कि सर 18 हो जा रहा है. गलत, 18 नहीं हो रहा है. जीएसटी कुछ पर 5, किसी पे 10, किसी पे 12, ऐसे एक रेट स्लैब होगा बेटा. हम मिथ फैलाने में बहुत बिलीव करते हैं. सोनार जो ज्वेलरी मार्केट है उस पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर कुछ चक्कर हुआ, एक महीने तक पूरे इंडिया में स्ट्राइक रही. गलत था इसलिए स्ट्राइक हुई, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. गवर्नमेंट अडिग रही, नहीं चेंज हुई, एक महीने बाद सब लाइन पर आ गए. तो जिनको तकलीफ होती है ना बेटा ब्लैक मनी वाली, वो एजिटेट होते हैं. जेन्युइन आदमी कभी एजिटेट नहीं होता है. एंड वी आर जेन्युइन एंड वी शुड बिकम जेन्युइन एज मच एज पॉसिबल. तो प्लीज बिहेव प्रॉपरली एंड रिस्पॉन्सिबली बिहेव करिए, एंड डोंट एजुकेट पीपल इन अ रॉन्ग मैनर. ठीक है साहब.